नमस्कार दोस्तों, सक्सेस हब में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम केशव। आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक डीआई सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा डीआई है। और इस तरह के डीआई मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं और बहुत स्ट्रगल करते हैं इसमें कि उन्हें पता नहीं होता है कैसे सॉल्व करें या फिर क्या अप्रोच करें। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि दोस्तों इस टाइप का अगर डीआई एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कैसे अप्रोच करना है या फिर कैसे इनको सॉल्व करें। तो चलिए पहले समझ लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। थ्री कंपनीज पी क्यू आर सेल टू टाइप्स ऑफ कार, दैट इज पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, तीन कंपनी है, दो तरह के कार्स बेच रहे हैं, पेट्रोल एंड डीजल कार बेच रहे हैं इन द ईयर 2019 में। रेशियो ऑफ पेट्रोल कार सोल्ड बाय पी इज टू क्यू इज 7:5, डीजल कार सोल्ड बाय आर इज 33.3% लेस देन द पेट्रोल कार सोल्ड बाय पी। ठीक है, टोटल कार सोल्ड बाय आर इज पेट्रोल एंड डीजल, टोटल कार दिया हुआ है, आर कितना सोल्ड कर रहा है 265। तो चलिए एक टेबल हम लोग बना देते हैं पी क्यू एंड आर का। पी क्यू एंड आर, ये तीन कंपनियां हैं। ठीक है, ये तीनों कंपनियां जो है दो तरह के कार बेच रहे हैं। कौन कौन से कार बेच रहे हैं? एक तो पेट्रोल के कार बेच रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल, और दूसरा है डीजल। ठीक है, तो डीजल का कार बेचा जा रहा है। अब क्या बोल रहा है कि द रेशियो पेट्रोल कार सोल्ड बाय पी टू क्यू दिया हुआ है 7:5, मतलब पेट्रोल कार सोल्ड बाय पी एंड क्यू। तो पी अगर 7x मान लेते हैं, 7x बेच रहा है, तो क्यू कितना बेच रहा है? 5x का पेट्रोल कार बेच रहा है। ठीक है, डीजल कार सोल्ड बाय सोल्ड इज 33.3% लेस देन द पेट्रोल कार सोल्ड बाय पी। तो पी पेट्रोल कार कितना बेच रहा है? 7x। तो आर जो है डीजल कार जो है वो कितना परसेंट लेस बेच रहा है? तो 33.3% कितना होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। 33.3% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये होता है 1/3, तो 1/3 कम बेच रहा है। तो अगर 7x है यहाँ पे दोस्तों, तो ये कितना बेचेगा? तो 7x, ठीक है, 7x ये बेच रहा है पी, तो आर कितना बेचेगा? आर बेच रहा है डीजल, तो 1/3 ऑफ 7x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7x, 7321 माइनस 7x कितना हो जाएगा? 14x, 14x/3। तो आर जो है डीजल कार कितना बेच रहा है? 14x/3। फाइन, अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है टोटल कार्स सोल्ड बाय आर, मतलब पेट्रोल प्लस डीजल इज इक्वल टू 265। तो टोटल कार आर कितना बेच रहा है ये दिया हुआ हमारा 265। ठीक है, अगर हमें ये पता चल जाए डीजल कार आर कितना डीजल कार बेच रहा है तो पेट्रोल कार हमें निकल सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है इसका वैल्यू 14x/3 का वैल्यू क्या होगा वो हमको पता नहीं है। ठीक है, चलिए द सम ऑफ पेट्रोल कार सोल्ड बाय ऑल थ्री कंपनीज इज 485। तो टोटल पेट्रोल कार कितना बेचा जा रहा है तीनों कंपनियों के द्वारा? तो 485। ठीक है, डीजल कार सोल्ड बाय पी इज 44% मोर देन द पेट्रोल कार सोल्ड बाय आर। अब डीजल कार किसके द्वारा? पी के द्वारा इज 44% मोर देन द पेट्रोल कार सोल्ड बाय आर। आर कितना पेट्रोल कार बेच रहा है वो हमें ये भी नहीं पता है, तो लेकिन जितना भी बेच रहा होगा तो पेट्रोल कार जो होगा, अगर मान लेते ये वाई होगा, ठीक है, तो ये पी कितना बेच रहा होगा? 44% मोर, मतलब 144% वाई बेच रहा होगा। ठीक है, तो ये हमें निकालना होगा, लेकिन पता तो नहीं है हमें वाई का वैल्यू क्या होगा। अब क्या है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द एवरेज ऑफ डीजल कार सोल्ड बाय पी एंड क्यू इज 150। मतलब ये दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है एवरेज। तो 150 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 300। टोटल नंबर ऑफ डीजल कार सोल्ड बाय पी एंड क्यू कितना हो जाएगा? 300। अब देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से दो इक्वेशन पता चलेगा। चलिए दो इक्वेशन क्या क्या है हमारा, अब हमें टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल कार तो पता है पी क्यू एन आर कितना बेच रहा है 485, तो हम बोल सकते हैं 7x प्लस 5x प्लस y इज इक्वल टू 485, तो मतलब 12x प्लस y इज इक्वल टू 485, ये तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय r दिया हुआ है 265, मतलब क्या बोला जा रहा है y प्लस 14x/3, बोल सकते हैं 14x/3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 265। अब दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कीजिए, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 12x माइनस 14x/3 कितना हो जाएगा? 12 into 3 36 36 माइनस 14 इट विल बी कितना हो जाएगा? 22। तो 36 मतलब ये हो जाएगा 12x 36x माइनस 14x/3 इज इक्वल्स टू
ये कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा ये दोनों का 0 और ये 22, 220। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 220 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 22, तो ये 10 टाइम्स। तो x का वैल्यू हमें पता चल गया 30। ठीक है, अब x का वैल्यू पता चल गया तो हमें p कितना पेट्रोल कार बेच रहा है वो हमें पता चल जाएगा, 7 × 30 डेट इज इक्वल टू 210। अब p कितना पेट्रोल कार बेच रहा है, 210। q कितना बेच रहा है, 150, ये पता चल गया। अब y कितना बेच रहा होगा ये भी हमें पता चल जाएगा। अब x का वैल्यू इस इक्वेशन में रखिए, पहला इक्वेशन में, तो 12 × 30 डेट इज इक्वल टू 360 प्लस y इज इक्वल टू 485। ये हुआ y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 485 माइनस 360 इज इक्वल टू 125। तो 125 y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 125। अब y का वैल्यू हमें पता चल गया तो हमें सारा इक्वेशन अब पता चल जाएगा, सारा कौन कितना पेट्रोल कार बेच रहा है, कौन कितना डीजल कार बेच रहा है, तो ये हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ये हमको R जो है डीजल कार कितना बेच रहा है, 14x/3, x का वैल्यू 30 रखिए तो 10 टाइम से कट जाएगा, इक्वल्स टू 140 हो जाएगा। तो ये 140 हो गया। अब देखिए इसमें रखिए 144% ऑफ y, p जो है डीजल कार कितना बेच रहा है, 144% ऑफ y। तो देखिए इसको निकालिए, जब इसको निकालेंगे यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है, 144 डिवाइडेड बाई 100 इंटू y का वैल्यू कितना है दोस्तों, y का वैल्यू है 125। तो इसको रखिए यहाँ पे 125, तो 5 times 25 हो जाएगा, 25 5 times 5 25 4 times 4 3 times 4 6 times। ठीक है, तो ये हमें 36 into 5 कितना हो जाएगा, 6 5 180 हो जाएगा। तो हमें पी कितना डीजल कार बेच रहा है वो तो हमें पता चल गया, 180। उसी तरह अगर टोटल नंबर ऑफ डीजल कार सोल्ड बाय पी एंड क्यू कितना पता है हमें, 300 पता है। तो क्यू कितना डीजल कार बेचेगा, 300 - 180 डेट इज इक्वल टू 120। तो ये हमें सारा डाटा पता चल गया, मतलब पी कितना पेट्रोल कार पूछा बेच रहा है अगर मैं पूछूं तो 210। अब ये जब डाटा हमें पता चल गया दोस्तों, तो बाकी 5 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। चलिए अब 5 बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डीजल कार सोल्ड बाय ऑल द 3 कंपनी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डीजल कार तीनों कंपनी कितना बेच रहे होंगे, तो ये हमें अगर पूछा जा रहा है तो टोटल नंबर ऑफ डीजल कार कितना हो जाएगा, 180 प्लस 120 प्लस 140, मतलब अगर ये 300 प्लस 140 कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 440, ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर हमारा पता चल गया। ठीक है, इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल कार सोल्ड बाय पी टू द टोटल कार सोल्ड बाय क्यू। तो टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय पी कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ कार अगर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर दू पी क्यू का, तो बहुत ईजी हो जाएगा, पी क्यू आर। पेट्रोल कितना बेच रहा है, 210, ये कितना है 150 और ये है 125। ये इसी तरह डीजल का कितना है, 180, ये है 120 और ये है 140। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल कार सोल्ड बाय पी, पी कितना टोटल नंबर ऑफ कार्स बेच रहा है, तो ये टोटल नंबर ऑफ कार्स पी बेच रहा है 390 और क्यू टोटल नंबर ऑफ कार्स कितना बेच रहा है, 270। तो 00 कैंसिल्ड, 3 times 13 3 times 9, तो आंसर क्या हो जाएगा, 13:9, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए इतना कितना इजी हो गया अगर मेरा वो सारा डाटा निकल गया। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इफ द टोटल कार, पहले मैं यहाँ टेबल बनाता हूँ आपके लिए, सुविधा दिक्कत नहीं होगी। चलिए पी क्यू आर, पेट्रोल कार कितना बेच रहा है, 210, ये कितना है 150 है और ये 125। इसी तरह डीजल कार पी कितना बेच रहा है, 180, ये है 120 और ये 140। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय आर इन द ईयर 2020 इज 700/53% मोर। ठीक है, तो देखिए अब कोई कोई स्टूडेंट जो होते हैं इस डाटा से डर जाएंगे, तो लेकिन अगर आप इसको 700/53 को 7/53 बोल सकते हैं। ठीक है, 7/53% मोर। ठीक है, 7/53 मोर देन द टोटल कार सोल्ड बाय आर इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो R जो है टोटल नंबर ऑफ कार्स कितना बेच रहा है, तो R जो है टोटल नंबर ऑफ कार्स बेच रहा है 265। ठीक है,
तो आर जो है 2010 में टोटल नंबर ऑफ कार्स कितना बेच जाएगा, आर का 200 2010 में, मैं 2010 को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 2010 में बोल रहा है 7/53, मतलब कितना हो जाएगा 1+7/53 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय आर इन द ईयर 2009, सॉरी 2019, तो ये कितना हो जाएगा 60/53 × 265, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स इट विल बी, तो 5 60 × 5 कितना हो जाएगा 300, तो टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय आर इन द ईयर 2010 इज इक्वल टू 300, ये हमें पता चल गया, ठीक है। एंड आगे क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, एवरेज ऑफ डीजल कार सोल्ड बाय पी इन द इन 2019 में डीजल कार सोल्ड बाय पी इन द ईयर एंड डीजल कार सोल्ड बाय आर इन द ईयर 2020, ठीक है। तो बोल रहा है कि डीजल कार सोल्ड बाय पी, ठीक है, प्लस डीजल कार सोल्ड बाय आर इन 2020, ठीक है। तो पी का जो है डीजल कार कौन से ईयर का, 2019 का, और आर का जो डीजल कार है 2020 का, दोनों का एवरेज दिया हुआ है कितना 170। अब देखिए पी कितना नंबर ऑफ डीजल कार बेच रहा है 2019 में, ये तो हमें पता है 180, ठीक है, तो 180 हो जाएगा, प्लस आर कितना डीजल कार बेच रहा है ये तो हमें नहीं पता है, ठीक है, इज इक्वल टू 7 170 × 2 दैट इज इक्वल टू 340। तो यहां से हमको आर कितना डीजल कार बेच रहा है 2020 में तो ये तो पता चल जाएगा, 340 − 180 दैट इज इक्वल टू 0 6 1 160, ठीक है। तो ये हमारा पता चल गया, 160 जो है वो हमारा टोटल नंबर ऑफ डीजल कार सोल्ड बाय आर इन द ईयर 2020, ये 2020 का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, देन पेट्रोल कार सोल्ड बाय आर इन 2020, तो टोटल नंबर ऑफ कार आर सोल्ड बाय इन द ईयर 2020 कितना है 300, तो पेट्रोल कार कितना बेच रहा होगा आर इन द ईयर 2020 में, तो 300 − 160, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 140, तो ये हमारा 140 हो जाएगा। इज व्हाट परसेंट ऑफ पेट्रोल कार सोल्ड बाय क्यू इन द ईयर 2000, तो पेट्रोल कार सोल्ड बाय क्यू इन द ईयर 2019 कितना है 150, तो कितना परसेंट होगा, ठीक है, तो कितना परसेंट होगा, मतलब 140 डिवाइडेड बाय 150 × 100%, ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1400 डिवाइडेड बाय 15 15 9, अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिए 5 times 3 5 times 2 5 5 into 2 5 to 10 80 280 by 3, तो 9 times 9 3 27 9 3 3 times एंड रिमेनिंग कितना बचेगा 1, तो 1/3 93, 1/3% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ डीजल कार सोल्ड बाय पी एंड क्यू, ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ डीजल कार सोल्ड बाय पी एंड क्यू एंड पेट्रोल कार सोल्ड बाय क्यू, तो पी एंड क्यू का डीजल कार, ठीक है, पी एंड क्यू का डीजल कार प्लस पेट्रोल कार क्यू का भी पेट्रोल कार का एवरेज निकालना है हमको, ठीक है, तो ये निकालना है हमको, तो पी जो है डीजल कार कितना बेच रहा था, तो 180 बेच रहा है, क्यू कितना डीजल कार बेच रहा है, तो 120 बेच रहा है, ठीक है, ये कितना बेच रहा है 120, और क्यू जो है पेट्रोल कार कितना बेच रहा है 125 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 180 + 120 = 300 300 + 125 = 425 डिवाइडेड बाय 3, तो 314, सॉरी कहीं गलती हो रहा है, देखिए क्या हो जाएगा, पी कितना हो रहा है, पी हमारा 180 कार बेच रहा है, ठीक है, डीजल कार, ठीक है, क्यू 120, और क्यू जो है पेट्रोल कार हमारा बेच रहा है, सॉरी यहाँ पे क्यू जो है हमारा पेट्रोल कार बेच रहा है 150, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 300 450 450 / 3, तो ये कितना हो जाएगा 150, तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा 150, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इफ एक्स इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ पेट्रोल कार सोल्ड बाय ऑल थ्री कंपनी एंड एवरेज ऑफ डीजल कार सोल्ड बाय ऑल थ्री कंपनी, तो पी क्यू एंड आर, ठीक है, पी क्यू एंड आर पेट्रोल कार कितना बेच रहा है, ठीक है, पेट्रोल कार ये कितना बेच रहा है 210, ये कितना बेच रहा है 150, और ये कितना बेच रहा है 125, और डीजल कार कितना बेच रहा है पी 180, ये 120 क्यू बेच रहा है और
140 आर बेच रहा है, तो टोटल नंबर एवरेज पूछा है, डिफरेंस पूछ रहा है पेट्रोल कार का, तो टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल कार कितना हो जाएगा बाय ऑल द थ्री कंपनी, ये तो हमें दिया हुआ है 485, ठीक है। अब ये हमें कितना है, तो 180 प्लस 120 300 प्लस 140 दैट इज इक्वल्स टू 440, तो डिफरेंस कितना है दोनों का, दोनों का डिफरेंस है 45। अब इसका पूछ रहा है एवरेज कितना है, एवरेज हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो जाएगा 15, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए बहुत ही इजी था, अगर आपने वो क्वेश्चन को समझ लिया कैसे सॉल्व करना है, तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन वो बहुत ही सिंपल होगा, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। इसी तरह मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन और क्वेश्चंस लेके आऊंगा और आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा डीएआई, और आपके साथ मैं भी प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ गाइस।